नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है हमारे उन पेंटर भाइयों के लिए जो पेंटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको राउंड लेटर बनाने की ट्रिक बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं स्केचिंग कर रहा हूं, और स्केचिंग ज़रूर आप लोग करें। अगर आप इतना परफेक्ट नहीं है राउंड लेटर बनाने में, तो उसकी स्केचिंग ज़रूर करें और उसके बाद ही उसको बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका जो लेटर है वो कितनी एरिया में परफेक्ट बैठेगा। उस हिसाब से स्केच करें और इसके बाद उस पर पेंट करें। तो देखिए, जैसा कि मैं स्केच बना रहा हूँ, और स्केच बनाने के बाद फिर इसको मैं पेंट करूँगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि लेटर की जो स्केचिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस पर पेंट करके आप लोग को दिखाऊँगा। आप जो भी लेटर बनाएं उसकी स्केचिंग ज़रूर करें, ताकि आपको आसानी रहे और आइडिया भी लग जाए लेटर कैसा बनेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक रहिएगा और देखिए मैं किस तरीके से लेटर बनाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं लेटर बना रहा हूँ, ये देखिए राउंड में जो शेक है ये वर्टिकल होता है, और ये जो बेड़ी लाइन बनी हुई ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो बेड़ी और खड़ी, आप दो लाइनें याद रखिएगा, और इसी के सहारे मैं देखिए किस तरीके से लेटर बनाता हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है ये राउंड लेटर बनाने के लिए। तो आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा ये जो बेड़ी लाइन है वो तीनों पतली है, ऊपर की और मिडिल लेटर में जो मिडिल है और इसके बॉटम साइड में, तीनों को मैंने पतला रखा हुआ है। और इसके अलावा जो खड़ी लाइन बनती है राउंड शेप में या स्ट्रेट बिल्कुल बनती है, उसको मैंने थोड़ा सा चौड़ा रखा हुआ है। वो भी जितना स्पेस है जगह का, उसी हिसाब से लेटर को एडजस्ट किया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से मैं इसे कम्प्लीट करता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं जो ये खड़ी लाइन बना रहा हूँ, ये इसकी चौड़ाई जो राउंड शेप में दी हुई है लाइन, उसके बराबर रख रहा हूँ, और लेटर के हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि जो खड़ी लाइन या राउंड में होती है उसको मैं थोड़ा सा चौड़ा किया हुआ है, उसी हिसाब से लेटर को बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं सेम ट्रिक इसमें भी यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो पेड़ी लाइन है उसको मैंने पतला बनाया हुआ है, और इसके अलावा जो खड़ी लाइन बनेगी जैसे ऊपर लेटर में बनी हुई है वो चौड़ी बनेगी। तो उसी हिसाब से इस लेटर को भी मैं बना के कंप्लीट करता हूँ, देखिए। और आप भी बहुत आसानी से इसी तरीके से राउंड लेटर को बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आप राउंड लेटर बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आसानी से बना लेंगे अगर आपको कट लेटर की राइटिंग आती है तो। तो दोस्तों देखिए, उस सेम ट्रिक का मैंने यूज़ किया हुआ है। जो खड़ा हुआ लेटर का जो डंडा है उसको मैंने चौड़ा रखा हुआ है, और जो बेड़ी पट्टी है, बेड़ी लाइन है, उसको पतला किया हुआ है। और उसी हिसाब से देखिए, जो लेटर की जो खड़ी लाइन है उसको मैंने ब्रश से ही नाप के उसी सेम चौड़ाई के बराबर का दूसरा जो डंडा है बनाया हुआ है, ताकि जो लेटर है वो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। दोनों डंडों की चौड़ाई बराबर रहेगी तो लेटर अपने आप अच्छा लगेगा। देखिए लेटर मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरीके से मैं अगला भी लेटर बनाता हूँ। तो दोस्तों, सेम ट्रिक से मैं इस लेटर को भी बनाने वाला हूँ।
जैसा कि पिछले जो दो लेटर मैंने बनाए थे उसी तरीके से इस लेटर को भी बनाऊंगा। जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको मैं थोड़ा सा चौड़ा रखूंगा और इसके अलावा जो राउंड शेप है उसको भी थोड़ा सा चौड़ा रखूंगा और जो वर्टिकल यानी कि जो बेड़ी लाइन होगी, माफ़ी चाहूँगा, जो बेड़ी लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल होगी उसको मैं पतला रखूँगा। देखिए जैसे ही ये लेटर बनके कंप्लीट होगा इसके बाद इसका जो फाइनल व्यू होगा वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।